अब चले ये हैं, पता नहीं फिर कब आएंगे। यहाँ पे ये इतने सारे सहतूत के पेड़ रेशम उद्योग के लिए लगाए गए हैं। यहाँ पे सासू जी ले जा रहे हैं अपने दोस्तों के लिए सामान के तौर पे, परांदा मंगा रखा था उन्होंने मोहल्ले के आंटी जी लोगों के लिए। सबसे पहले सभी दगड़े होते हैं प्यार भरो प्रणाम। मैं पूजा भंडारी आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। नए ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं मॉर्निंग के 7 बजे से, और मैं हो गई हूँ पूरी रेडी क्योंकि आज हमारी तैयारी है देहरादून जाने की। तो सुबह से बहुत मोटी बारिश आ रही थी, तो उसी बारिश में हम लोग सामान रखने भी गए गाड़ी में। तो अब हम सब लोग तैयार हो गए हैं, तो चलते हैं यहाँ पे भगवान जी को प्रणाम करके चलते हैं। जय हो भगवान। और ऊपर है भोलेनाथ का मंदिर, तो जय हो भोलेनाथ की कृपा रहेगी तो जल्दी आएंगे। बाकी गांव की तरफ से ये मेरा लास्ट ब्लॉग है। अब इसके बाद पता नहीं कब बनेगा गांव की तरफ का ब्लॉग। मिस्टर जी भी आ गए हैं। भगवान ठीक मामा, ओके तब। भाई हमारे घर पे लग गया है ताला, हो गई है दरवाजे बंद, और हमारे बगल पड़ोसी अभी भी देख ही रहे हैं हमें। बाकी अब चलते हैं। अब चले ये हैं, पता नहीं फिर कब आएंगे। अब हम लोग पहुंच गए हैं अपने इधर के लोकल वाले मार्केट नारायण बगड़ में। तो कुछ ऐसा है नारायण बगड़ का नज़ारा। अभी हम लोग आए थे अपने लोकल वाले मार्केट में, रोक रखे थे हम क्योंकि यहाँ पे सासू जी ले जा रहे हैं अपने दोस्तों के लिए सामान के तौर पे, परांदा मंगा रखा था उन्होंने मोहल्ले के आंटी जी लोगों के लिए। तो परांदे ले लिए हमने, वो दोनों आगे पूरे करके हैं सासू जी और ससुर जी। तो हम दोनों भी जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि आज हमें बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। देखते हैं आगे पे कहीं जाम जूम ना हो। बाकी मौसम तो अभी क्लियर हो गया है, धूप आ गई है अच्छी सी। तो अब चलते हैं, सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। कल दिन से और आज सुबह तक जो बारिश आई उससे अलकनंदा नदी का पानी इतना गंदा हो गया है। इस पानी से पता चल रहा है कि कल से कितनी ज़्यादा बारिश आई होगी। सफ़र को कंटिन्यू करते हुए गोचर और कर्णप्रयाग के बीच में हमें लग गया है फर्स्ट जाम। तो देखते हैं कब तक खुलता है ये जाम। अभी तो एक साइड से गाड़ियाँ निकल गई है, तो देखते हैं इधर साइड का नंबर कब आता है। तो हमारी साइड इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, पता नहीं आगे कहाँ तक होगी ये लाइन। एक जाम से निकले तो दूसरा जाम शुरू हो गया है, और अभी लग रखा है जाम रुद्रप्रयाग में। तो यहाँ पे भी दूसरे साइड की गाड़ियाँ निकल रही है और हमारे साइड की गाड़ियाँ रुकी हुई है। तो देखते हैं कब तक निकलते हैं यहाँ से भी। इस जगह का नाम है सिरोबगड़, और यहाँ पे हमेशा अगर थोड़ी सी भी बारिश आई तो यहाँ पे लैंडस्लाइड के कारण बार बार रोड ख़राब हो जाती है, जिससे आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसलिए यहाँ पे ये नए पुल का निर्माण हो रहा है, यहाँ से बाईपास बनेगा, फिर उसके बाद ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। तो देखते हैं कब तक बनता है ये वाला पुल भी।
अभी हम पहुंच गए हैं धारी देवी मंदिर में, और अभी हम मंदिर के अंदर तो नहीं जाएंगे क्योंकि लेट हो गया है बहुत ज़्यादा। तो ससुर जी जा रहे हैं आगे पे माता की भेंट चढ़ाने के लिए, बाकी उसके बाद फिर से करते हैं हम अपने खूबसूरत से सफ़र को कंटिन्यू। अभी हम लोग रुक गए हैं नाश्ता करने के लिए मलेठा में, जो कि श्रीनगर से थोड़ा सा आगे है, और मलेठा माधव सिंह भंडारी के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। बाकी हम जैसे जैसे सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे गर्मी भी बढ़ रही है, और अभी टाइम हो रहा है 12 बज के हैं। हमने सुबह नाश्ता नहीं किया, चाय बन खाया नाश्ता में, हल्का फुल्का नाश्ता किया, क्योंकि नाश्ता बनाने में फिर उसके बाद बर्तन धो के उनको पैक करने में टाइम लग जाता है, तो इसलिए हमने ज़्यादा नाश्ता सुबह नाश्ता नहीं बनाया। तो अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं नाश्ता करने के लिए, और यहाँ सामने पे रेलवे लाइन का काम लगा हुआ है, और यहाँ नीचे हैं बहुत सारे शहतूत के पेड़। यहाँ सामने पे जहाँ पे ये रेलवे लाइन का काम लगा हुआ है, यहाँ पे पहले सेहरे होते थे, यानी कि जो धान के रोपाई वाले खेत होते हैं वो वाले खेत थे यहाँ पे, तो अब उनकी कटाई होके यहाँ पे रेलवे लाइन का काम शुरू हो गया है। तो देखते हैं कब तक बनती है रेलवे लाइन। यहाँ पे ये इतने सारे शहतूत के पेड़ रेशम उद्योग के लिए लगाए गए हैं। ये आ गई हमारी पूरी प्लेट, और हमने अभी लंच ऑर्डर कर रखा है क्योंकि लंच करने का टाइम भी हो गया है। बाकी अब हम खाते हैं खाना। खूबसूरत से सफ़र को कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग पहुंच गए हैं देवप्रयाग, जो कि है सास बहू का संगम स्थल। दो तीन घंटे जाम में पहुंचने के बाद फाइनली पहुंच गए हैं हम लोग घर पे, और घर पे आने के बाद मैंने झाड़ू पोछा कर दिया, नहा गई मैं, और ये इतने सारे कपड़े भी धो दिए हैं मैंने। तो यहाँ पे गांव से यहाँ आके बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है, और जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ आ रहे थे वैसे वैसे गर्मी भी बहुत तेज़ हो रही थी। ऊपर पहाड़ों में तो अभी भी ठंडा हो रहा है, स्वेटर पहन रहे हैं, और यहाँ इतनी गर्मी हो रही कि क्या बताएं। बाकी अब करते हैं रात के खाने की तैयारी। आज के इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आप सबको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।